Hey guys, welcome back to the new vlog. I hope आप लोग अच्छे होंगे. Guys, अभी हम लोग सब तैयार हो चुके हैं और आज जा रहे हैं फगोड़ा मंदिर जो आता है गुराई बीच के पास मुंबई में है. तो काफी फेमस मंदिर है, गौतम बुद्ध का टेम्पल है. तो आपको मैं दिखाऊंगा पूरा व्यू. काफी बड़ा मंदिर है गाइज, आप लोग देख के शॉक हो जाएंगे यार इतना बड़ा मंदिर. इसलिए हम लोग जा रहे हैं, उसका दर्शन भी करेंगे और आपको ब्लॉग में दिखाएंगे भी कि मंदिर कैसा है. एक एक चीज मैं मंदिर का दिखाने वाला हूँ तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. फिलहाल अभी आनंद का वेट करें, आनंद जैसे आ जाएगा इसके बाद हम लोग सब चलेंगे मंदिर और आपको दिखाऊंगा मैं पूरा व्यू. और आनंद कैसे हो? सब प्रभु कृपा है. इतने दिनों बाद शूटिंग चालू कर दी है. है? चालू कर दी है. मतलब इतने दिनों बाद हमसे मिलने आए. समय नहीं मिलता भाई, बहुत बिजी चल रहा हूँ. कहाँ बिजी रहते हो इतना? ये भारत भ्रमण. कैसा लगा मेरा मजाक? A few moments later. गाइज हम लोग फगोड़ा मंदिर के पास पहुंच चुके हैं. गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दिया है और वहां तक हम लोगों को चल के जाना पड़ेगा. और कितना दूर है? 200-250 meters ना? Yes. तो 200-250 meters है, ज़्यादा नहीं है. तो वहां तक सब कोई चल के ही जा रहे हैं, वहीं तक चल के जाना पड़ेगा. और गाड़ी पार्किंग हम लोग कर दिए, तो मंदिर के पास गाड़ी जा नहीं सकता है. ये बाकी लोग बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मंदिर के पास पहुँचते हैं. फिर आपको दिखाता हूँ मंदिर का नज़ारा. गाइज मंदिर के बाहर आ चुके हैं. अभी देखिए मैं पीछे का आपको दिखा रहा हूँ, ये एंट्रेंस गेट है. तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ का नज़ारा. अभी अंदर चलेंगे, फिर अंदर चल के आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा. ये कितना खूबसूरत लग रहा है. चलिए गाइज अब मंदिर की तरफ चलते हैं. ये है मंदिर का मुख्य द्वार, यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं. देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है. देखिए गाइज ग्लोबल विपासना पगोड़ा यहाँ लिखा हुआ है. तो ये है पगोड़ा मंदिर और मुख्य द्वार देखिए कितना खूबसूरत है गाइस. बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल मंदिर है ये. अभी हम लोग अंदर चलेंगे और इसको दिखाएंगे. गाइस अब हम लोग अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और देखिए जैसे अंदर चल रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है मंदिर. कितनी ऊंचाई पे है देखिए गाइस. गाइस देखिए ये घंटा मीनार जिसे कि बेल टावर कहते हैं. आप मंदिर के अंदर की तरफ जैसे प्रवेश करेंगे लेफ्ट साइड में ये घंटा मीनार आपको देखने को मिलेगा. और यहाँ देखिए गौतम बुद्ध जी को दर्शाया गया है घंटा के साथ. इसका मतलब है घंटा बजाने से पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है, तो लोग यहाँ घंटा बजाने आते हैं. तो कितनी लंबी कतार लगी है देखिए घंटा बजाने के लिए. गाइज अब हम लोग मंदिर के ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं देखिए. और मंदिर के मुख्य द्वार पे देखिए सफ़ेद हाथियों को यहाँ पर दर्शाया गया है. देखिए दो सफ़ेद हाथियाँ हैं. और देखिए ये है मंदिर का एंट्री गेट, यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं मंदिर के अंदर. ये देखिए गाइज आप अगर यहाँ पर जूता चप्पल रखना चाहते हैं तो जूता चप्पल का स्टैंड भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर जूता चप्पल निकाल के मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं. ये देखिए गाइज यहाँ से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे. और ये हिंदू धर्म के हिसाब से वो मंदिर नहीं है जहाँ पर पूजा पाठ होता है. ये गाइज देखिए कितना बड़ा गुंबद बना हुआ है. और इसकी खासियत ये है कि इसमें एक भी पिलर नहीं है. ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है जिसमें पिलर नहीं है. ये पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाया गया है. ये विपासना हॉल है, लोग यहाँ पर मेडिटेशन करने आते हैं. तो गौतम बुद्ध जैसे मेडिटेशन में बिलीव करते थे पॉजिटिविटी के लिए, ये मेडिटेशन हॉल ही है. अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर बाहर चलते हुए मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा. ये देखिए गाइस थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो आपको ये धामा चक्र देखने को मिलेगा. ये भी पॉजिटिविटी की एक निशानी है, सकारात्मक ऊर्जा इससे भी प्राप्त होता है. तो देखिए कितना खूबसूरत सजा हुआ है.
तो मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखाता हूँ एक बार। देखिए एक छोटा पकौड़ा भी बना हुआ है, बड़ा पकौड़ा के साथ साथ छोटा पकौड़ा बना हुआ है। देखिए गाइस कितना पॉजिटिविटी यहाँ नज़र आता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जगह है ये। देखिए हर जगह गौतम बुद्ध जी को दर्शाया गया है, और ये म्यांमार से इसको जो डिज़ाइन वगैरह है, म्यांमार में भी गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर है, तो उसको देख के यहाँ पर वही तरह बनाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत, कितना विशाल, कितना भव्य, जितनी भी तारीफ़ की जाए इस पगोड़ा मंदिर की कम है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको एक बार ज़रूर यहाँ विज़िट करना चाहिए अगर आप मुंबई आ रहे हो, या मुंबई के बाहर से भी कहीं भी से भी आ रहे हो, मुंबई में जो रहते हैं उनको तो एक बार ज़रूर यहाँ आना ही चाहिए। बहुत अच्छा दार्शनिक स्थल है ये। ये देखिए सत्यनारायण गोयनका जी हैं, इन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की थी, तो इसीलिए इनकी इमारत यहाँ बनाई गई है। ये पार्क भी बनाया गया है गाइस, अगर बच्चों को यहाँ खेलना है तो पार्क भी यहाँ बनाया गया है। सब चीज़ों को ध्यान में रख के मंदिर को बनाया गया है। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। देखिए इन लोगों को जहाँ बच्चे बैठते हैं, यहाँ बच्चों की जगह लोग झूला झूल रहे हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये कितना खूबसूरत यहाँ पर डिज़ाइन करके यहाँ बनाया गया है। देखिए तो आप देखिए, मैं आपको मंदिर को हर एक कोने से आपको मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ बाहर से। कितना बड़ा मंदिर है गाइज, आप इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा, जैसे लगता है कोई किला है उस तरह से इसको बनाया गया है। हर एक कोने में, हर एक साइड में इतना अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन के साथ इसको बनाया गया है। जितनी भी तारीफ की जाए इसकी कम है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है गाइस। आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ विज़िट करिए, देखिए मैं हर एक साइड से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए गाइस फर्स्ट फ्लोर में आप आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें देखने लायक है। देखिए यहाँ पर मेडिटेशन वगैरह किया जाता है, तो यहाँ पर सबको बोला जाता है कि 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने के बाद यहाँ पर गौतम बुद्ध की 15 मिनट की फिल्म चलाई जाती है, और इस मंदिर के बारे में बताया जाता है, मंदिर कैसे बना, कब बना, सब चीज़ें इस फिल्म में दिखाई जाएगी। ये गाइस पेंटिंग गैलरी का मेन गेट, और यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध जी के बारे में पूरा बताया गया है, उनके बचपन से लेके उन्होंने जितने भी धर्म उपदेश दिए हैं हर एक चीज़ यहाँ पर पेंटिंग के जरिए लोगों को समझाया गया है। पगोड़ा देखते थक गई, फ्रूटी पी लो, छोटे बच्चे के लिए फ्रूटी। आ गया एनर्जी फ्रूटी के, फ्रूटी फ्रूटी फ्रूटी। देखिए क्या देखना है, कौन देखना है, ये देखना है, बड़ा बुद्ध देखना है। ये राइट हैंड साइड में बड़ा बुद्ध जी का प्रतिमा यहाँ बनाया गया है, देखिए कितना भव्य विशाल। गाइज अब हम लोग मंदिर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, देखिए कितने ऊंचाई पे है, जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए कितना सीढ़ियाँ क्रॉस करके हमें बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। ये मंदिर हम लोगों ने फाइनली दर्शन कर लिया, और मैं आपको ज़रूर बोलूँगा आप लोग यहाँ विज़िट करिए और इस मंदिर को देखिए। तो आनंद कैसा लगा पकौड़ा का दर्शन? पहली बार आया, बहुत अच्छा लगा। पहली बार तो मैं भी आया हूँ, पहली बार तो मैं भी आया हूँ, कुछ अलग देखने को मिला ना, जिससे बाकी जब हम जो हिंदू लोग का मूर्ति होती है मंदिर होते हैं वैसा कुछ नहीं है। आया था मगर अंदर नहीं गया था, बट यहाँ पर कुछ अच्छा, कुछ नया अनुभव लगा, बहुत अच्छा लगा। तो गाइज ये दर्शन हमारा कम्प्लीट हो गया है, अभी हम लोग को लग गई भूख, तो अभी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाते हैं, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा है, काफ़ी लेट हो गया है, 5 बज गए हैं। विदाई, फेयरवेल, देखो विदाई। गाइज हम लोग रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, और खाना हम लोगों ने ऑर्डर किया है, क्या खाना ऑर्डर किया है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। काफ़ी जोर की लग गई है भूख, अभी फट से खाना हम लोग आ जाए, हम लोग खाना खाएँ। चलिए जैसे खाना आता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
गाइस फाइनली बैक होम, तो मैं जा रहा हूँ वीडियो को ही खत्म करने। आप बताइएगा कमेंट में वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। गुड नाइट। गाड़ी मंदिर तक नहीं आती है, 250 किलोमीटर है, सॉरी 250 किलोमीटर।